आज हम बात करेंगे 100% इफेक्टिव डाइट फॉर हार्ट पेशेंट। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको जानना है कि हार्ट की बीमारी में हम लाइफ टाइम क्या खाना चालू रखें। प्लेंटी वीडियो आपने देखे होंगे कि हार्ट के मरीजों को क्या खाना चाहिए, कौन सा फूड उनके लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या सबसे ज्यादा खाएं, क्या कब से कम खाएं। ये अगर हम सब चीजों की बात करें तो एक चीज तय है कि हार्ट की बीमारी में फूड का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस है। पहले तो नहीं थी हार्ट की बीमारी, अब क्यों चालू होगी? क्योंकि पहले के टाइम में अगर आप देखें आज से 30-40 साल पहले तो लोग दिन में एक या दो बार खाते थे। उसका तब रीजन ये था कि तब फूड की कमी थी, हमारा इकोनॉमी सिस्टम डाउन था। तो जानते हैं क्या है पूरा सच। मेरे 12 साल के अनुभव में और प्लेंटी रिसर्च और ट्रायल में जो वर्क किया है हमने, उसमें पाया है कि भारत की हिस्ट्री में एक थिंग कॉमन है कि ईटिंग इज द मेन कॉज ऑफ द हार्ट डिजीज। जब से खाने के मामले में हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल बेड टी, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करो, स्नैक करो, लंच करो, मंच करो, डिनर, पैकेट फूड, कैन और प्रिजर्वेशन फूड, इजी टू कुक फूड आ गया है अभी मार्केट में, आउट ऑफ सीजन हम फ्रूट और वेजिटेबल्स खाते हैं, प्रोसेस फूड हमने बढ़ा दिया है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड ऑयल, प्रोसेस मिल्क आ गया है, लाइफस्टाइल डिजीज इज इंक्रीज जब से ये चीज हुआ है तब से। सो टुडे ऑल आई विल टू शेयर यू द बेस्ट सीक्रेट फॉर द हार्ट पेशेंट, वो है फास्टिंग, उपवास। और वेस्टर्न पीपल आज उसको यूज कर रहे हैं टर्म्स इंटरमिटेंट फास्टिंग। उपवास रियली डू द बेस्ट रिकवरी इन हार्ट डिजीज पेशेंट विदाउट मेडिसिन और विदाउट एनी मेडिकल प्रोसीजर। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट की जो सिस्टम है उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रभाव के बारे में हम आज बात करेंगे। फास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं, बट हार्ट को सबसे ज्यादा फायदा है क्योंकि हार्ट डिजीज में जो मेन इश्यू है वो है इंसुलिन का बढ़ना, और इसीलिए जब हम उपवास करते हैं तो इंसुलिन को हम कम करते हैं। यही इंसुलिन रेगुलेट करता है कि हमारी बॉडी किस ईंधन के ऊपर काम करे। जैसे गाड़ी का ईंधन है गैस, पेट्रोल और डीजल, वैसे हमारे बॉडी का भी एक ईंधन है कि जिसके ऊपर बॉडी वर्क करती है। उसमें नंबर वन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट और तीसरा है प्रोटीन। हृदय का सबसे पसंदीदा यूज करने वाला ईंधन है वो है फैटी एसिड, जो फैट में से मिलता है, क्योंकि उसमें से वो कीटोन का उपयोग करता है, जो कीटोन एक एनर्जी है आउट ऑफ थ्री। बट नाउडेज पीपल जो ज्यादा यूज करते हैं ईंधन वो है कार्बोहाइड्रेट। बाय ईटिंग रिफाइंड और प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट लाइक ब्रेड, पास्ता, रोटी, नान, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, फ्रूट जूस, शुगर, गुड़ और कोल्ड ड्रिंक्स। समस्या यह है कि जब आप आपके शरीर को ग्लूकोज पे चला रहे हो तो आपको उसको सिंथेसाइज करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तब वो सिंथेसाइजेशन के वक्त ऑक्सीजन नहीं होता तो हमारा बॉडी तब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ में टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल साथ में लाके स्टोर करता है। इसीलिए जब आप उपवास आपके शरीर में चालू करो तब आपका पूरा फ्यूल सिस्टम ग्लूकोज की जगह पे कीटोन में रिप्लेस कर देता है और वो फैट का उपयोग करने लगता है। अगर आप रिकरेंट मील खा रहे हो, बार बार खाना, छोटे छोटे किस्तों में खाना, तो वो सिस्टम प्रोसेस से आपका बॉडी कभी भी फ्यूल सिस्टम में फैट का उपयोग नहीं करेगा, वो ऑलवेज कार्बोहाइड्रेट से ही यूज होगा। तो अभी मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब हार्ट डैमेज होता है, जैसे कि छाती में दर्द हो रहा पेशेंट को, किसी को हार्ट अटैक है, हार्ट फेल हो गया है, हार्ट की धड़कन वीक है, ये सारे चीजों का रीजन है पुअर ब्लड सप्लाई। तो ये सब कार्डियोवास्कुलर डिजीज में कीटोन इज द हाईएस्ट एबिलिटी टू सपोर्ट हार्ट टू रिकवर फास्ट नेचुरली बाय फास्टिंग प्रोसेस। एंड कीटोन इज द फ्यूल सिस्टम यूज बाय मिनिमम यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और उसी में भी आप अगर होल ग्रेन
यूज करते हो जैसे खिचड़ी, रवा इडली, मिलेट्स, हैंड प्रोसेस ओट्स, दलिया, साबुत अनाज, स्प्राउट है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है और ड्राई फ्रूट है एक्सेप्ट काजू, तो आपका बॉडी विद इन 2 to 3 days में 3 से 4 चीज डेवलप करेगा। नंबर वन, आपकी आर्टरी की नली की जो स्टिफनेस है वो रिड्यूस होने लगेगी। उससे क्या होगा, जो ब्लॉकेज की साइज है वो धीरे धीरे रिडक्शन होना चालू हो जाएगा। उसकी वजह से ब्लड में जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था वो कम होना चालू होगा। दूसरा है इलास्टिसिटी बढ़ेगी, उससे आपका ब्लड प्रेशर कम होना चालू होगा। थर्ड है आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने से जो ब्लड में इलेक्ट्रोड इंबैलेंस होते हैं, जो इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर काम करते हैं, और वो इंबैलेंस होने की वजह से पेशेंट को धड़कन बढ़ जाना, पाल्पिटेशन होना या इरेग्युलर रिदम जिसको एरिथमिया बोलते हैं उसमें फायदा होना चालू होगा। फास्टिंग में ब्लड शुगर और ब्लड ग्लूकोज काफी लो हो जाता है, उसकी वजह से लीवर में जो ग्लूकोज का स्टोरेज है वो कम होना होगा, और जिसकी वजह से जब हम शरीर को एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज कम होने की वजह से लीवर में जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होगी उससे ब्लड में फ्रेश ग्लूकोज बनेगा। पर अच्छी बात यह है कि ये जो फ्रेश ग्लूकोज होगा ये या ना तो कीटोन से आया है, ना फैट से आया है, ना ग्लिसरॉल से आया है, ये नेचुरल ग्लूकोज है, तो ये बॉडी के लिए काफी हेल्दी होता है। और अगर प्रोसेस से बॉडी में फैट ट्राइग्लिसराइड रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड में स्ट्रेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस बंद हो जाएगा, कोरोनरी डायलेट होगी, लिपिड कम होना चालू होगा और प्लेक फॉर्मेशन तो आपका आफ्टर 24 आवर्स टोटल स्टॉप हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। और ऐसे ही काफी बेनिफिट है जैसे चेस्ट पेन कम होना, सांस फूलना कम होना, शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल कम होना चालू हो जाएगा। एक वीक में तो ऐसी भी नौबत आएगी कि आपको सारी मेडिसिन कम करनी होगी। तो आज का टेक होम मैसेज आप लोगों के लिए यह है कि आप दिन में 16 घंटे मतलब 8 बजे से लेकर दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे तक आप उपवास करो, और जो भी खाना है आप 11 या 12 बजे खाओ और डायरेक्ट शाम को 7 या 8 बजे खाओ। बीच में आपको कभी भी भूख लगे तो आप नींबू पानी, सादा पानी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी या हर्बल टी आप ले सकते हो बिना चीनी, बिना दूध। और 2 बार खाने में आप हो सके उतना फ्रूट, वेजिटेबल और स्प्राउट और ड्राई फ्रूट सबसे ज्यादा खाओ, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम खाओ माने रोटी और राइस, और साबुत अनाज ज्यादा खाओ। हफ्ते में आप 3 से 4 बार खिचड़ी, रवा इडली, बाजरा, ज्वार का उपयोग ज्यादा करें। आपकी जो भी मेडिसिन चल रही होगी वो धीरे धीरे बंद होगी, और शुगर वाले मरीज को खास रिक्वेस्ट है कि आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करो। अगर आपका शुगर डाउन हो रहा है तो आप बताओ कि आप ये डाइट पे हो तो धीरे धीरे आपकी वो मेडिसिन कम करेंगे। और दूसरे थायराइड वाले पेशेंट, तो थायराइड का गोली जो ऑलवेज लेना होता है वो आपको सुबह लेना होगा और खाने के 1 घंटे पहले ले लो। बाकी आप ये हेल्दी डाइट चालू करो, और कोई भी डाइट के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है या आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली हमें कॉन्टेक्ट करो, व्हाट्सएप पे या कॉल करो, और ये डाइट आपको विद इन अ वीक काफी इम्प्रूवमेंट करेगा। और यही डाइट आप लाइफ लॉन्ग चलाओगे तो आप आगे जाके विदाउट मेडिसिन हार्ट के डिजीज में आपको फायदेमंद होगा। धन्यवाद।